तो आपको मन दम खुश हो गया, गदगद हो गया, तो आप बच्चों को जो गिफ्ट देने वाले हैं तो आपको मन में कैसे आया कि मुझे गिफ्ट देना? यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही जो है शालीनता के साथ हैं स्टूडेंट और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आगे आप गए थे एक थाईलैंड में, शायद थाईलैंड में गए थे, तो एक लड़का जो था यहाँ स्कूल कहीं बच्चा था, बोला कि सर वो आइसक्रीम वाला जो था थाईलैंड में, क्या उस सर में वहाँ गए थे या नहीं गए थे? मगर वीडियो देखकर बड़ा मजा आ गया, आप बताइए। तो बिल्कुल आप देखेंगे वीडियो, उसमें तो कुछ है नहीं कि ऐसा नहीं गया हो, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोकेशन है वहीं क्या बिल्कुल, और वो थाईलैंड में ही पटाया एक जगह है, आइसक्रीम सेलर वहीं के थे और वो भी स्क्रिप्टेड वीडियो है, उनको प्रॉपर बात करके उसको उनका चार्ज दिया गया था और उसके बाद वीडियो बनाया गया था। जी देखिए दोस्तों, आप चार्ज की जहां तक की बात आते हैं तो यहां पर जितने सारे कलाकार जो होते हैं ना उनको कुछ पैसे दिया जाता है क्योंकि दिन भर मेहनत करते हैं, और इनको ऐसे करेक्टर को ये उठाते हैं कि इनको लगता है जो कभी नहीं किया हो, मगर उनको उठा के यहाँ तक लाते हैं, वो अपने चैनल तक यूट्यूब जो हर्ष राय राजपूत जो देखे देंगे, धर्मेंद्र ढाकर जी जो देखते हैं न्यूज, उसमें ले आते हैं। सोचिए कितना बड़ा काम करते हैं। आपको लगता होगा कि बहुत ही डेंजर आदमी है, जैसे दाढ़ी रखे हैं, शरीर से भी बॉडी उडी बहुत अच्छा है और लुक भी ज्यादा स्मार्ट है, तो आपको लगता होगा कि इनके पास भी बहुत ही आदमी सही नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं, इतना अच्छे व्यक्ति हैं कि मैं क्या बताऊं। फोन से हमेशा बात होती रहती है मगर आज ये हमारे पास आए हैं, मैं भी इनके पास आए हूं, और हमें तो बहुत ही तमन्ना था कि मैं इनसे मिलूं और मिल के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे ऐसे वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा और कुछ अलग वीडियो, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जैसे कई तरह के न्यूज देखे हैं लेकिन जो आप पॉजिटिव न्यूज एक जो स्कूलों का बनाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सर हैं इनका जो प्रांगण है ये जो दिखाए, मैं यहाँ पे देख के आश्चर्यचकित हूँ, इन्होंने यहाँ पे जो काम किया है बिल्कुल काबिले तारीफ है, और कई जो प्राइवेट स्कूल है जो महंगी महंगी फीस लेते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं मिलेगा, यहाँ पे पेड़ पौधे रंग रोगन देखिए, तो बहुत बड़े इन्होंने काम किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों आप देखे ना कि किस तरह से हर्ष राय राजपूत जो हैं भैया जो हैं से कितने अच्छे से सरलता के साथ इन्होंने बताया है कि मनोज जी ने एक सरकारी स्कूल बनाया है जो बहुत ही टॉप बनाया है दोस्तों, और टॉप बनाने के पीछे भी एक कारण है, मैं आपको ये चीज थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूल का, और चलिए आ जाइए सर थोड़ा सा आप भी आइए, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, हम लोग धूप में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से इनका बिल्डिंग है, जो देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पर ये धर्मेंद्र ढाकर हर्ष राय राजपूत जी हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल का जो नाम है आदर्श मध्य विद्यालय रामबाग घटारो यहाँ पर है, और मैं आपको एक चीज बताऊं, सर ने देखें कि स्कूल की इतनी अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छा व्यवस्था सोचे और बताएं कि बहुत ही अच्छा है, तो एक गिफ्ट देने वाले, क्या गिफ्ट देने वाले हैं इस स्कूल को मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए ये सर हैं, सर ने बहुत ही कोऑपरेट किए, आप जब धर्मेंद्र जी से मिले तो आपको कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा लगा सर, वीडियो में तो लोग कहते थे कि निगेटिव रोल करते हैं, लेकिन मिलजुल के जो लगा हमें कि बहुत अच्छे इंसान है और हमारे जिला से है तो बहुत खुशी की बात है, और बहुत पॉपुलर व्यक्ति हो गए, ये और गर्व रखता है हम लोगों के लिए, और हम चाहेंगे कि भविष्य में और आगे जाए, ये हमारी खुशी होगी जब आगे जाएंगे। आपको जब इस विद्यालय में आए तो आपको मन दम खुश हो गया, गदगद हो गया, तो आप बच्चों को जो गिफ्ट देने वाले हैं तो आपको मन में कैसे आया कि मुझे गिफ्ट देना? यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही जो है शालीनता के साथ हैं स्टूडेंट और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है जो माहौल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा एक थोड़ा सा कुछ योगदान देना चाहिए ताकि स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो आगे चल के। जी तो उसी के लिए जो मैं आप ही को करना है जो करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्या आप समय से हैं, हम मेघाई चुनते नहीं, हम मेघाई बनाते हैं। तो सही में आज मैं आपको बता दूं कि आज धर्मेंद्र जी यानी हर्ष राज राजपूत जी हैं जो एक अच्छे इंसान भी हैं और साथ एक अच्छे वीडियो भी बनाते हैं जिसमें हार्मफुल रहता है, बिल्कुल हंसने वाली होती है, और इन्होंने खुश होकर एक ऐसा गिफ्ट देने वाले हैं जो बच्चे देखेंगे और सारे सरकारी स्कूल भी देखेंगे, क्योंकि मैं जब भी हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूं सरकारी स्कूल का मैं पॉजिटिव बनाता हूं ताकि लोग स्कूल को देखकर अगला भी सरकारी स्कूल एक अच्छा बनाए। लास्ट में और क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं या जो भी टीचर देख रहे हैं
ये आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पे इस तरह का एग्जांपल सेट करने की कोशिश कीजिए। शिक्षा व्यवस्था में हम लोग काफी पिछड़ रहे हैं, ये दो राय नहीं है, कई चीजें हैं। जो मेरी वीडियो ही है वो मैंने खुद से स्क्रिप्ट नहीं लिखा इस बार, जो जो चीजें हो रही है मैं उसी को एक जगह पे लेके आया हूँ सारी चीजें। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, वही है, इतनी अच्छी सैलरी लेते हैं टीचर, तो एक भविष्य का जो स्टूडेंट का है वो अच्छा करने का काम करना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे सामने है, सर है स्कूल एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि स्कूल का कितना अच्छा है। और एक चीज और हम आपको बता रहे कि इस स्कूल में एक अलार्म भी लगा हुआ है कि जहाँ ऑफिस में सर बैठते हैं ना वहाँ अलार्म बजाते हैं, तो अगर 6 और 7 यहाँ क्लास अगर चल रहा है तो वहाँ क्लास में जाके अलार्म बजता है और वहाँ के जो बच्चे और शिक्षक जो है आ जाते हैं डायरेक्ट ऑफिस में आ जाते हैं। ये आपको सुविधा है, तो मनोज जी को मैं सो थैंक यू करता हूँ। और हमसे हम दोनों बड़े हैं, कहा जाए तो सर तो हमारे गुरु हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ मगर हमारे एक गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने सहयोग किया है तो मैं इनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और हमारे बड़े भैया जो मुझे अच्छे लायक समझे और एक अच्छा छोटा भाई समझे, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलेंगे, इनका बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाला है और विदेश में पहला स्टार्ट हुआ है, अब बहुत सारे वीडियो अब विदेश में भी धमाल मचाने वाले हैं। और साथ में अब आपको हम भी शायद नजर आ जाएं भैया के, अगर कृपा होगा तो सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा ऑडियंस को इस बार। हाँ, तो दोस्तों हम चलते हैं और मिलते हैं फिर आगे एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।